रहा मलबा किसी रिनोवेशन के दौरान नहीं गिराया गया है। जो हुआ है जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आगर के शासकीय शालिग्राम तोमर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 8वीं की छत गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि उस वक्त क्लासरूम में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गौरतलब है कि ये जो कुछ भी हुआ ये दरअसल एक बड़ी लापरवाही का हिस्सा है। कुछ क्लासरूम में पानी टपकने के साथ ही करंट फैलने और खराब हालत की जानकारी पहले ही लिखित में दी जा चुकी थी, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया। नहीं है क्या कुछ जानकारी है, छज्जा गिरा है क्या, कितने बच्चे क्लास में थे? क्लास में तो प्रार्थना के समय के लिए बच्चे प्रार्थना के लिए गए हुए थे। जैसे ही कक्षा खोली है कक्षा गिरा छत गिरी हुई मिली है, और ये अच्छा रहा कि कोई बच्चा को किस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लगी नहीं। बाकी शनिवार तक स्कूल लगा था, जब तक तो छत सही थी, और आज विद्यालय खोलने पर छत गिरी हुई थी और सारे बच्चे बाहर थे प्रार्थना के लिए। कौन सी कक्षा रखती हो? कक्षा आठवीं है विद्यालय में। 74 स्टूडेंट है टोटल, और उसके पानी के कारण प्रिंसिपल मैडम को पहले छत बता भी दी थी, और लिखित में आर के नागर सर ने लिखित में मैडम को भी सूचित किया था। और उसके बाद क्लासों में करंट भी आ रहा है दो क्लासों में, और सारी छत पानी से सारी छत खराब हो चुकी है विद्यालय की। यहाँ 6, 7, 8 है, और तीनों क्लास में अलग अलग है, ऐसे करके 74 बच्चे हैं यहाँ पर। नहीं, पांचवी प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे भी नहीं कहते पूरे विद्यालय में छत वगैरह चूरी है जिसमें बच्चे ने पास में। हाँ, ये पहली से आठवीं तक एक ही साथ बिल्डिंग बनी थी, उधर भी कक्षा में पानी छूता है, लेकिन आज कक्षा 8 की छत गिरी है। इसकी कुछ आपने उच्च अधिकारियों को जवाबदारों को कुछ? हाँ जी, प्रिंसिपल मैडम को यहाँ बुला के दिखा भी दिया था, और आर के नागर सर जो प्रधान अध्यापक ने उन्होंने लिखित में सूचना भी दी थी कि मैडम ये छत खराब हो रही है, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है। आज अभी किसी को बताया आपने? नहीं, आज तो हमने प्रार्थना के लिए कहे थे, और उस जैसे कक्षा खोली वैसे ही छत गिरी हुई मिली। आज हम बताते कैसे? हाँ, हमको हम पहले ही सूचित कर चुके थे कि छत गिरने जैसी हो रही है। आपने कब सूचना दी थी? उसकी एक लिखित ओसी है अपने पास, तारीख वास कि मैडम को कब दिया था, और एक दो बार कुछ क्या मैडम ने देख के बताया था कि उच्च अधिकारियों को लिखित में देंगे, वो भी ऐसा आश्वासन दिया था उन्होंने। आपका नाम क्या? मेरा श्रीमती साधना ओझा, सहायक शिक्षिका कन्या माध्यमिक विद्यालय दौलतगंज। क्लासरूम में करंट आ रहा है, लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं है। स्कूल भवन 2007 में ही बनकर तैयार हुआ, महज 15 साल बाद ही स्कूल की छत का छज्जा गिरने से शासकीय कामों में की गई अनियमितता देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे हादसों को दावत देने वाले पर कब कार्रवाई होगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।